आप बीजेपी सेना पर शक है क्या आपको? विधानसभा जी के पास जा रहा हूँ। बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि कांग्रेस लगातार सेना पर सवाल खड़े क्यों करती है। राहुल गांधी ने सेना पर सवाल पिछले दिनों खड़े किया, अब दिग्विजय सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा पर सेना पर सवाल खड़े कर दिया यात्रा के दौरान। क्यों आखिर कांग्रेस को जवाब चाहिए? क्या सेना का शौर्य और पराक्रम सवाल उठाने वाला है? सर विजय जी, हमें देश की सेना के ऊपर किसी किस्म का कोई शक नहीं है। वो भारतीय सेना हमारा गौरव है, हमारा गर्व है। लेकिन जो भारत की सरकार है, अगर वो सेना से जुड़े मुद्दों को छुपाकर सेना को खतरे में डाल रही है बॉर्डर पर, या फिर पाकिस्तान के मुद्दे पर देश की जनता से झूठ बोलती है और ये कहती है कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक में हजारों लोगों को मार दिया, तो उनसे जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि सेना ने कभी नहीं कहा कि उन्होंने वहां जाकर घुसकर। एक मिनट विजय जी, विजय जी मैं क्लियर कर दूं। विजय जी एक मिनट रुक जाइए ना, आप टीवी डिबेट में बैठ कर ये कह रहे हैं कि सवाल पूछा जाएगा। जयराम रमेश का ट्वीट देखा है आपने? वही कह रहे हैं कि हमारे समय में भी हुआ था, पाकिस्तान को जवाब दिया गया था। और मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक पर ये उनका निजी बयान, कांग्रेस के दो बयान सामने आते हैं तो आप भी जरा अपने नेताओं के बयान को पढ़ लिया करिए, फिर डिबेट में बोला करिए। सर सर्जिकल स्ट्राइक पर आप भी सवाल उठा रहे हैं क्या? हाँ ना का जवाब दीजिए, उठा रहे हैं क्या सर्जिकल स्ट्राइक पर? सबूत चाहिए क्या आपको? सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया कांग्रेस पार्टी ने, ना आज उठाया है। हमने केवल ये सवाल उठाया है कि भाजपा के नेता सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक फायदा लेने के लिए जो जनता के परोस रहे हैं, ठीक है, किसको कितना राजनीतिक फायदा होगा।